अगर रॉक्स करीब देखें तो ये ज़रा ब्रॉड होता है और इसमें कर्वनेस कम होती है। अगर हम हॉर्स करीब देखें तो ये थिन होता है और इसमें कर्वनेस ज़्यादा होती है। और यहाँ भी हमारे पास डॉग का रिब है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि ये छोटा सा है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं तो ये इसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, इसे कहते हैं स्टर्नल एंड या फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ रिब। और यहाँ पे जो इसकी कन्वेक्स वाली साइड होती है, कनकेव वाली साइड होती है, ये हमारे पास मीडियल साइड होती है। और जो इसकी कन्वेक्स वाली साइड होती है इसको हम लैटरल साइड कहते हैं। तो कन्वेक्स वाली साइड पे ही हमारे पास हेड होता है और कनकेव वाली साइड पे ट्यूबरकल होता है। हेड और ट्यूबरकल के सेंटर में नेक होती है, नेक ऑफ रिब, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिब होता है। जो हेड ऑफ रिब होता है वो थोरेसिक वर्टिब्रा के क्रेनियल और कॉस्टल फेसेट से जॉइंट बनाता है, और जो ट्यूबरकल होता है वो थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स कॉस्टल फेसेट से जॉइंट बनाता है। हॉर्स में आए तो ये इसकी मीडियल साइड होगी क्योंकि ये कनकेव है, तो यहाँ पे ये इसका हेड होगा। ये कन्वेक्स वाली साइड इसकी जो होगी यहाँ पे लैटरल होगी, और ये इसका ट्यूबरकल होगा, ये इसकी नेक होगी और ये इसका एंगल होगा। और एक और बात, जो क्रेनियल हेड वाली साइड पे बॉर्डर होता है वो क्रेनियल बॉर्डर होता है, और जो ट्यूबरकल वाली साइड पे बॉर्डर होता है ये इसका कॉर्डल बॉर्डर होता है। इसी तरह ये और डॉग का केस है, इसमें ये हेड होगा, ये ट्यूबरकल होगा, ये डिस्टल स्टर्नल एंड और डिस्टल एक्सट्रीमिटी होगी।